नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। ये एनएचएम संविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते लड़खड़ाई चिकित्सीय सेवाएं जनपद अम्बेडकर नगर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी बुधवार को मानदेय, बीमा, स्थानांतरण आदि मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे और सीएमओ कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इससे जिला चिकित्सालय में टीकाकरण सहित कई चिकित्सीय सेवाएं प्रभावित रहीं। लोग काफ़ी परेशान दिखे, टीकाकरण भी नहीं हो सका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सीएमओ कार्यालय पर एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया। इसमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, संविदा कर्मचारी आदि अपने अपने कार्यों को छोड़कर पहुंचे थे। ऐसे में जिला चिकित्सालय का टीकाकरण कक्ष पूरी तरह बंद रहा। इसके अलावा जांच, फिजियोथेरेपी, दवा वितरण कक्ष, एंटी रेबीज कक्ष पूरी तरह सूने पड़े रहे। जिला चिकित्सालय पहुंचे शिवराम, सुनील कुमार, सविता देवी आदि ने बताया कि कर्मचारियों के नहीं होने से जांच और टीकाकरण नहीं हो सका। उधर संगठन के जिला अध्यक्ष वंशवर पांडे ने बताया कि कर्मचारियों के लिए कोई वेतन पॉलिसी न होने के कारण पिछले लगभग 16 वर्षों से अनवरत कार्य कर रहे हैं। एक समान पद और एक समान योग्यता होते हुए भी हम संविदा कर्मियों को एक समान मानदेय नहीं मिल पा रहा है। हमको वेतन विसंगत का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा की भात, यहाँ के भी एनएचएम संविदा कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता व अन्य लाभ दिया जाए। डीपीएम अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को पद अनुरूप निर्धारित मानदेय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त कर सभी कर्मचारियों को समाहित किया जाए। आशा बहुओं का एक नियत मानदेय निर्धारित किया जाए ताकि उनके परिवार का भी भरण पोषण सुगमता से हो सके। जिला अध्यक्ष ने बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। प्रदर्शन के दौरान सीएमओ को सात सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। ठीक नहीं है कि हम अपने हक को मांग रहे हैं, इसलिए आप लोग जो निशाती हैं, जिनको आप जानते समझती हैं, उनको बताएंगे, उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको एक छुट्टा दिखाने की जरूरत है। जहां पे छुट्टा होगी वहां पे तोड़ नहीं सकता दोस्तों, वहां पे सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। जब एक कुर्सियों पे आसीन नहीं होते हैं तब लुहाने भाषण देते हैं, तब हमको लाली काट देते हैं। जैसे एक कुर्सी पे आसीन होते हैं ये सबसे बड़े सिद्धांतवादी नजर आते हैं, इससे जैसा कोई तरफ होने वाला नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, पिछले चुनाव में जब चुनाव हो रहा था तो माननीय गृह मंत्री और इस समय रक्षा मंत्री के पद पर